नाबालिग सहित 8 आरोपियों को हजारीबाग सदर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के पास से विभिन्न कंपनियों के 65 मोबाइल पुलिस ने जब्त किए हैं। सभी आरोपी साहिबगंज जिले के रहने वाले हैं। यह गिरोह बच्चों को पैसे का लालच देता है और उन्हें चोरी की ट्रेनिंग भी देता है। बताया जा रहा है कि ये कुछ समय बाद अपने ठिकाने बदलते रहते हैं। छापेमारी में इस गिरोह के 2 आरोपियों को पुलिस ने बस स्टैंड से पकड़ा। इनमें मिथुन महतो और अनिल नोनिया है। दोनों की तलाश करने पर 24 मोबाइल पुलिस को मिला। दोनों आरोपियों से पूछताछ के बाद 2 नाबालिग सहित 6 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा। आरोपियों के किराए के मकान की तलाशी करने पर 41 मोबाइल पुलिस ने जब्त किया। इन लोगों ने हजारीबाग के अलावा सिमरिया, टंडवा, चतरा, गिरिडीह, धनबाद और दुमका में मोबाइल चोरी की घटना को अंजाम दिया था। एक शहर में 6 से 8 महीने तक इस गिरोह के सदस्य रहते हैं। 100 से अधिक मोबाइल चोरी कर लेने के बाद बड़े शहरों की दुकानों में मोबाइल को बेच देते हैं। इसके बाद ये अपना ठिकाना भी बदलते रहते हैं। बोकारो में दुष्कर्म के